नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चैप्टर नंबर 8 चल रहा है आपकी मिडिवल हिस्ट्री सतीश चंद्रा की किताब का। वीडियोस थोड़ी लंबी बनाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपके लिए मैं ये जो टॉपिक है इसको जल्दी खत्म कर दूं, ठीक है। तो थोड़ा सा लेट भी लग रहा है वीडियोस को आने में। देखिए क्या है, मैं भी कभी कभी एग्जॉस्ट हो जाता हूं तो समय लग जाता है, तो काइंडली बियर विद मी। शुरुआत करेंगे किससे, सुल्तान एंड द नॉबल्स के बारे में। फिर सुल्तान एंड द नॉबल्स के बाद आता है कास्ट, सोशल मैनर्स एंड कस्टम्स, और इसमें जो टाउन लाइफ थी आपकी जिसमें स्लेव्स, आर्टिसेंस, इन सब के बारे में बताया गया है, इसको भी हम लोग एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। दिल्ली सल्तनत को तो ऐसा समझाऊंगा कि आपको कभी कोई और किताब समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ना ही किसी स्टैटिस फैक्ट के लिए और ना ही किसी एनालिटिकल फैक्ट के लिए। क्लियर, चलिए शुरुआत की जाती है। जो सुल्तान था और जो चीफ नॉबल था, भाई आपके दिल्ली सल्तनत का समय का, वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो उसकी भाई तगड़ी थी, ठीक है। आप कह सकते हो कि उस समय पे दुनिया में जो सबसे अमीर राजे रजवाड़े कहीं रहा करते होंगे, कुछ उस प्रकार की अमीरियत थी आपके इंडिया के अंदर इन सुल्तानों की। भाई रूलर थे ये, दिल्ली सुल्तान सल्तनत के सुल्तान थे, नॉबल्स थे। नॉबल्स मतलब मिनिस्टर समझ लो, आज की डेट में जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स की औकात है उस समय की उनकी औकात थी। आज तो फिर भी डेमोक्रेसी, सरकार चेंज होती है, उनकी तो सरकार केवल जंगों के बाद ही चेंज होती थी। तो ताकत ज्यादा थी उस समय पे, निरंकुश तानाशाही थी, तो निरंकुश तानाशाही में तो वैसे भी ताकत बहुत ज्यादा होती है। प्लस आप कह सकते हो जो वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया में जो इस्लामिक वर्ल्ड में रूलिंग क्लास की औकात थी, कुछ ऐसी औकात हमारे सुल्तान की थी और उनके नॉबल्स की थी, दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट। अब खास बात यह थी कि उस समय पर अगर आप देखोगे तो अरब वर्ल्ड और इस्लामिक वर्ल्ड यूरोप के आगे था, यूरोप बैकवर्ड था आप कह सकते हो, और वहीं पर जो इस्लामिक वर्ल्ड था, इस्लामिक वर्ल्ड में वेल्थ ही वेल्थ थी। मतलब ये वो समय था दिल्ली सल्तनत जिस समय पर इंडिया में चली थी, उस समय पर यूरोप उतना आगे नहीं था। यूरोप में आपके जो भी राजा थे वो भी आपके टोटलिटेरियन स्टेट थे, लेकिन लोगों के हालात बहुत ज्यादा खराब थे। एम्प्रेस के हालात भी इतने अच्छे नहीं थे जितने अच्छे आप कह सकते हो कि इस्लामिक वर्ल्ड में जो रूलर्स थे उनके हालात हुआ करते थे। फिर थोड़ा बहुत आप दे सकते हो कि जो इस्लामिक रूलर्स इंडिया में आए, इन्होंने कुछ शाही शौक पाले। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो भी हिंदू रूलर्स इंडिया के अंदर हुआ करते थे, उनका खुद का एक महल हुआ करता था। तो हमारे इंडिया में भी जो सुल्तान आए, उन्होंने बोला भाई हम भी अपना महल बनवाएंगे। तो बलबन का जो कोर्ट था एकदम जबरदस्त था, मतलब इतना खतरनाक था बलबन का कोर्ट, इतना डेजलिंग था कि जब भी कोई उस कोर्ट में विजिट करता था, गरीब आदमी की बात छोड़ो, कोई बाहर से किसी दूसरे स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है या कोई गवर्नर आ रहा है या कोई भी पर्टिकुलर अमीर आदमी आ रहा है, जब वो बलबन की कोर्ट में घुसता था ना, अ सेंस ऑफ ऑ आ जाता था उसके अंदर इन द हर्ट्स ऑफ विजिटर्स। तो मतलब इन लोगों ने अपने कोर्ट को इतना मेंटेन करके रखा था। और बलबन के बाद भी ट्रेडिशन चालू रहा, अलाउद्दीन खिलजी और उसके सक्सेसर्स ने भी, मतलब होता है ना कि देखिए आज भी लोगों को घर सजाने का शौक होता है, आपके घर में आपके मम्मी पापा को, आपको खुद आगे आने वाले समय में अपना घर सजाने का सबको शौक होता है, भाई हमारे पास एक बड़ा घर हो। चलिए किसी के पास बड़ा घर नहीं, छोटा घर हो तो छोटे घर के अंदर भी सजाना, अपना मंदिर वगैरह लगाना, ठीक है, अच्छे अच्छे पर्दे टांगना, दीवारों के अंदर अच्छी अच्छी पेंटिंग टांगना, ये सबको शौक होता है, हर कोई अपने अपने लेवल पे थोड़ा थोड़ा करता है। और उस समय पे ये शौक बड़े शाही तरीके से सामने आते थे। अब चूंकि बलबन और अलाउद्दीन खिलजी जैसे राजा थे जो कि पूरी की पूरी सल्तनत पे राज कर रहे हैं, तो इनके शौक नहीं पूरे होंगे तो फिर किसके होंगे। फिर मोहम्मद तुगलक का जो कोर्ट था, इसको तो इब्न बतूता ने पूरी तरीके से डिस्क्राइब किया है। मोहम्मद तुगलक के कोर्ट तक पहुंचने के लिए तीन बड़े बड़े गेट से होकर गुजरना पड़ता था। और आप दो लोगों की तीन बड़े बड़े गेट से उतरने, मतलब गुजरने के बाद एक कोर्ट आता था, उस कोर्ट में हजारों पिलर्स थे। अब हजारों पिलर्स का कोर्ट आप समझ लो कितना बड़ा होगा, और उसमें एक बहुत बड़ा हॉल था, उस हॉल में वुडन पिलर्स थे जिसने हॉल के ऊपर की दीवार को रोक रखा था। भाई कॉस्टली मटेरियल्स, फर्निशिंग, इस प्रकार से उसको सजाया जाता था। जब सुल्तान वहां पे अपना पब्लिक कोर्ट लेता था, भाई जबरदस्ती समा होता था। हालांकि उस पब्लिक कोर्ट में किसी किसी को मौत की सजा भी सुना दी जाती थी, वो एक अलग बात है, बट ये समझाया जा रहा है कि सुल्तान जहां पे भी बैठ के बातचीत करता था या आदेश जारी करता था, वो दैट वॉज फुल ऑफ ऑपुलेंस, दैट वॉज फुल ऑफ आप कह सकते हो रिचनेस। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिए। देखिए आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, आप हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें। ज्वाइन बटन इज स्पेसिफिकली एंड वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर मी, तो प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन इफ पॉसिबल। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको लेक्चर से रिलेटेड अपडेट्स, मेरे करंट अफेयर्स और एडिटोरियल्स की पीपीटी मिल जाया करेगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, हर चीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और सही लगे तो ज्वाइन बटन जरूर दबाएं। फिर आगे बात करते हैं। अच्छा, ये जो तुगलक वगैरह हुआ करते थे, ये काफी बांटा भी करते थे सामान महंगा महंगा, जैसे कि टू रोप्स ऑफ ऑनर बांटा करता था, टू रोप्स ऑफ ऑनर बांटा करता था मोहम्मद तुगलक। तो एक ठंडी में और एक गर्मी में, ठंडी में और गर्मी में,
ऑनर का आप कह सकते हो एक कपड़ा कह लीजिए, रोप कह लीजिए, रोप नहीं होता जो आपके कंधे के ऊपर डालते हैं आपको ऑनर करने के लिए, तो ऐसे रोप्स बांटा करता था अपने जनरल्स को, अपने नॉबल्स को, कौन? मोहम्मद तुगलक। ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद तुगलक हर साल 200,000 रोप्स बांटता था, और इन रोप्स को सिला कहां जाता था? तो रॉयल वर्कशॉप में सिला जाता था। आपको पता है कि खुद का कारखाना हुआ करता था आपका दिल्ली सल्तनत के सुल्तान का, और जो भी दिल्ली सल्तनत के सुल्तान की पसंद की चीजें होती थी, शाही घराने के पसंद की जो चीजें होती थी वो वहां बनाई जाती थी। तो इन रॉयल वर्कशॉप्स में इंपोर्टेड क्लॉथ, वेलवेट, डमास्क, वुल ऑन विच ब्रोकेड एंड कॉस्टली मेटल्स विद यूज, मतलब जितने भी प्रकार का ऑप्युलेंस, जितने भी प्रकार की महंगी साजो सामान आप इमेजिन कर सकते हो, सब यहाँ पे होता था। और आप कह सकते हो कि बहुत आराम से कहा जा सकता है कि इसका अच्छा खासा पैसा खत्म होता होगा। बहुत सारे गिफ्ट्स दिए जाते थे नॉबल्स को, फेस्टिव ऑकेजन्स पे गिफ्ट दिए जाते थे, सुल्तान के बर्थडे पे गिफ्ट दिए जाते थे, नवरोज, पर्शियन न्यू ईयर पे गिफ्ट दिए जाते थे, और इन सब चीजों के लिए या फिर कोई भी ऐसी चीज जो कि सुल्तान को चाहिए वो कहां जाती थी? वो बनती थी रॉयल कारखानास में। रॉयल कारखानास में भाई पूरे सल्तनत के जो बेस्ट एंड बेस्ट आपके कहते हो कि जो कारीगर हुआ करते थे वो इन कारखानों में बैठते थे, और जो भी सुल्तान बोल देता था वो जान झोंक देते थे उसको बनाने में, क्योंकि पता है कि भाई जो ये भी बनेगा वो सुल्तान या सुल्तान की रानी या फिर उनके राजघराने के लोग इस्तेमाल करेंगे, नॉबिलिटी इस्तेमाल करेगी, तो डेफिनेटली वो बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए। तो अगर सुल्तान ने उसको पकड़ा और उसमें रेशे वगैरह निकल रहे हैं तो कहो भाई हाथ काटने की सजा मिल जाए, अब सुल्तान है कुछ भी कर सकते हैं। ओके, तो इन रॉयल कारखानास में कॉस्टली आर्टिकल्स बनते थे, सिल्क के, गोल्ड के, सिल्वरवेयर के। ओके, फिर चॉइस और रेयर गुड्स के भी वहां पे स्टोर्स हुआ करते थे। जो सुपरिटेंडेंट थे इन स्टोर्स के, दे वर इंस्ट्रक्टेड बाय फिरोज तुगलक टू बाई फाइनली फिनिश्ड आर्टिकल्स वेन एवर एंड वेयर वॉट एवर प्राइस दे वर अवेलेबल। ठीक है, तो इन कारखाने के सुपरिटेंडेंट हुआ करते थे, इन सुपरिटेंडेंट को फिरोज तुगलक की तरफ से स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस मिलते थे कि भाई कहीं पे मान लो अगर आपको कोई बहुत शाही चीज दिखती है, शाही कारखाने के लोगों में से बहुत सारे लोगों को दुनिया भर में डिप्लॉय किया जाता था कि जाओ और जो भी तुम्हें शाही चीज दिखे उसको हमारे लिए खरीद के लाओ, चाहे वो कितनी भी महंगी हो। ऐसा बोला जाता था कि सुल्तान जो जूते पहनता था, सिंगल पेयर ऑफ शूज जो सुल्तान पहनता था एक ऑकेजन पे, उसकी कीमत होती थी 70,000 टंका, और उस समय पे 5 टंका में पूरी की पूरी फैमिली का खर्चा चलता था, वो भी बड़े मजे में। अभी आगे बात करेंगे इसके बारे में भी कि किसका कितना खर्चा था, ये भी हल्का फुल्का आइडिया यहाँ पे दिया हुआ। तो ज्यादातर जो रॉयल यूज के आर्टिकल्स थे वह तो सोने में होते थे या चांदी में होते थे, एम्ब्रॉयडरी, ज्वेल्स, मतलब पूरा महंगा काम होता था। और जैसा कि मैंने बताया सुल्तान और शाही घराना, और शाही घराना में फिर आपका हरम भी आ जाता था, हरम जहां पे सुल्तान से रिलेटेड जितनी भी वुमेन्स थी वो रहती थी, चाहे उसकी वाइफ्स हो, चाहे उसकी मदर हो, बहन हो, मतलब शाही घराने की जितनी भी औरतें थी वो हरम में रहती थी, उसको सुल्तान का हरम बोला जाता था। जहां से जितनी भी औरतें जीत के लाई वो सब हरम में डाल दी, 15-15, 5-5, 10-10,000 औरतें हुआ करती थी हरम में, सब गुलाम की, सब गुलाम थी भैया आपके सुल्तान के, सुल्तानों के जबरदस्ती आप कह सकते हो मजे थे उस समय पे। फिर आगे बात की जाए तो ऑलमोस्ट एवरी सुल्तान हैड अ हरम कंटेनिंग क्वींस एंड अ लार्ज नंबर ऑफ स्लेव्स फ्रॉम वेरियस कंट्रीज। तो क्वींस तो देखिए इनकी थी, स्लेव्स भी इनके थे। ठीक है, तो कहीं गए और वहां से जीते तो स्लेव ले आया। अच्छा, स्लेव स्पेसिफिकली इनके लिए खरीद के लाए जाते थे, सुंदर गुलाम आदमी भी और औरतें भी, दोनों लोगों को दूर दराज के जगहों से खरीद के लाया जाता था और इनके हरेम में इनको रखा जाता था। सर्वेंट, स्लेव, मैन, वुमेन, इन सबको हायर करके रखा गया था कि हरेम की सिक्योरिटी होनी चाहिए, इसके अंदर जो वुमेन है उनकी सिक्योरिटी होनी चाहिए, उनके कंफर्ट का पूरा ध्यान रखा जाएगा। जितनी भी वुमेन रिलेशंस थी सुल्तान की, मदर, आंटी, ये सब हरम में रहती थी। ठीक है ना, सबको सेपरेट अकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया था हरम में भी। अब औदे के हिसाब से माँ है अगर सुल्तान की या वाइफ है सुल्तान की तो उसके लिए बड़ा अकोमोडेशन होगा, दास दासियां हैं तो छोटे मोटे अकोमोडेशन दिए जाएंगे, तो इस प्रकार से चीजें थी। अच्छा, अब सुल्तान नंबर वन थे तो नोबल भी नंबर टू क्यों रहेंगे? नोबल्स को भी कहा है कि भैया अब हम भी कहां सुल्तानों से कम है, हम भी कुछ ना कुछ रॉयल करेंगे। तो क्या रॉयल करेंगे? तो आप देखोगे कि जो नोबल्स थे उनके भी जो घर थे वो बहुत बड़े बड़े थे, मैग्निफिशेंट पैलेसेस में रहते थे, एकदम गगनचुंबी तो खैर नहीं बोलना चाहिए, मतलब आप कह सकते हो कि ऐसी इमारतें, बिल्कुल महल जैसी इमारतें, कॉस्टली आर्टिकल्स ऑफ अपैरल, महंगे महंगे कपड़े, महंगे महंगे शॉल्स, महंगे महंगे आप कह सकते हो जो भी वो पहन के अपने राज दरबार में आया करते थे। चारों तरफ इनके सर्वेंट, स्लेव्स, रिटेनर्स भरे हुए हैं और एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन चलता था। देखिए सुल्तान तो एक है लेकिन नोबल तो बहुत है ना, वो मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है ना, इन सब के बीच में कंपटीशन चल रहा है, तुम ज्यादा अमीर या हम ज्यादा अमीर। आज के डेट में तो चीजें डेमोक्रेटिक हो गई, बट उस समय पे क्या था, आपको इन
नोबल ने मेहनत तो की नहीं थी, बस शाही खानदान में वो पैदा हो गए थे, उनके बाप पर बाप दा भी नोबल थे, वो भी नोबल बन गए। तो अब क्या है भाई, बैठे बैठाए पैसे मिल गए, फ्री में सब कुछ मिल गया है, तो क्या करना है अब, क्या ऐसे पॉलिटिक्स करेंगे? तो एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन करना, उसने आज चांदी के वो पहने जूते, तो कल मैं सोने के जूते पहना हूँ, इस तरीके की चीज़ें। उसने अपनी शादी में मटन कोरमा लगवाया था, तो मैं तो अब ये चिकन का शाही पता नहीं कुछ कबाब टाइप का बनवाऊंगा। तो मतलब इस तरीके की कंपटीशन हुआ करता था इन नॉबल्स के बीच में, उसने ये बढ़िया कर दिया तो हम ये बढ़िया कर देंगे। होता है ना कि पड़ोसियों में देखा जाता है कि उसने एक फ्लोर ऊपर बनवा लिया, तो दूसरे वाले ने भी काम शुरू करवा दिया कि हम भी एक फ्लोर एक्स्ट्रा बनवाएंगे। तो इस प्रकार का कॉम्पिटिशन चलता था इन लोगों के बीच में, अपने आप को ज्यादा ताकतवर दिखाने के लिए, अपने आप को ज्यादा रावा मतलब आप कह सकते हो कि रिच दिखाने के लिए, लैविश फीट्स, फेस्टिवल को जबरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइज करना, ये सब में ये लोग कंपटीशन करते थे। फिर ये जो नॉबल्स थे ये मैन ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स को भी पैट्रनाइज करते थे। कोई बहुत अच्छी पेंटिंग बना रहा है, कुछ बहुत अच्छा लिख रहा है, कोई पोएम बहुत अच्छी लिख रहा है, तो उसको भी ये लोग इनाम देते। तो ये चीज देखिए अच्छी थी, अगर आप आर्ट्स को, लेटर्स को, हैंडीक्राफ्ट्स को, इस प्रकार की चीजों को बढ़ावा देते हो तो उससे एक इकोनॉमिक पुश मिलता है, नो डाउट अबाउट दैट, ठीक है। बट क्या है कि मतलब खाने पीने में और शादी वगैरह में पैसा उड़ाना ये सब बहुत होता था, पर चलो ठीक है, बचा हुआ खाना गरीबों के पास चला जाता होगा। अब आप देखोगे कि वैसे तो नॉबल्स की हालत बहुत खराब थी, एक राजा था जिसने नॉबल्स का जीना हराम कर दिया था, वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने नॉबल्स को बहुत सप्रेस किया, अलाउद्दीन खिलजी ने नॉबल्स के ऊपर बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस डाले, महंगी शादियों के ऊपर रोक लगा दी, ये सब चीजें मैंने अलाउद्दीन खिलजी में बताई थी। ओके, हालांकि अलाउद्दीन खिलजी के समय पे ही ये नॉबल्स परेशान रहे हैं, फिर जब तुगलक का राज वापस आ गया, खासकर मोहम्मद बिन तुगलक के अंदर, ये फिर से ताकतवर हो गए थे। ओके, फिर एम्पायर भी एक्सपेंड हो रहा था मोहम्मद बिन तुगलक के अंदर, मोहम्मद बिन तुगलक के अंदर डेक्कन का एक बहुत बड़ा इलाका डायरेक्ट कंट्रोल में आ गया था आपके दिल्ली सल्तनत के, और मोहम्मद जो तुगलक था वो अच्छी खासी सैलरीज और अलाउंसेस देता था अपने गवर्नर्स को, अपने नॉबल्स को। तो दौलताबाद में 4-5 नॉबल पोस्ट कर दिए, फिर उसके आगे साउथ में और नॉबल पोस्ट कर दिए, उनको अच्छी अच्छी तनख्वाहें दे दी, वो उस जगहों पे जाके राज कर रहे हैं, ओवरऑल बिल्कुल वो भी राजा की तरह रह रहे हैं। ओके, इनफैक्ट अगर आप देखोगे कि जो मोहम्मद तुगलक का जो वजीर था ना, उसको इतनी इनकम मिलती थी, इतनी तनख्वाह मिलती थी, जितना की पूरी इराक प्रोविंस का टैक्स हुआ करता था उस समय पे। मतलब इतना जबरदस्त आप कह सकते हो कि तनख्वाह बांटता था आपका मोहम्मद बिन तुगलक। जो मिनिस्टर्स थे मोहम्मद बिन तुगलक के, उनको 20,000 से 40,000 टंका एक साल में मिलते थे। जो चीफ सदर था उसको 60,000 टंका एक साल में मिलते थे। आप बताओ सदर कौन सी पोस्ट है? मैंने आपको बता रखा है सदर कौन सी पोस्ट है, पहले नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए सदर कौन था, ठीक है। फिर जो फिरोज तुगलक का वजीर था खाने जहान, उसको मिलते थे भाई 15 लाख रुपए, ये फिरोज तुगलक देता था, ठीक है। फिर आप देखोगे कि जो भी वजीर के सन्स और सन इन लॉ होते थे उनको भी पैसा दिया जाता था। तो कुल मिला के अच्छा खासा पैसा मिनिस्टर्स के बीच में बांटा जा रहा था। ये सब तुगलक के समय पे हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी ने तो पकड़ के रखा था। अलाउद्दीन खिलजी तो लिमिटेड पैसा देता था, इनके पैसों पे रोक भी लगाता था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के बाद तुगलक के समय पे ये नॉबल फिर उड़ने लगे थे। ओके, तुगलक के समय पे बहुत सारे नॉबल्स ने बहुत सारी जमीन, बहुत बड़े बड़े आप कह सकते हो फार्म्स, फॉर्च्यून्स को अपने अंदर ले लिया था, अच्छा खासा पैसा इन्होंने कमा लिया था। फिर जो फिरोज का अरिज ए ममालिक था ना बशीर, उसने 13 करोड़ रुपए छोड़े थे अपने बच्चों के लिए अपने डेथ पे। अरिज ए ममालिक क्या होता है? आप कह सकते हो कि अरिज ए ममालिक वाज द हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट, ठीक है। तो फिरोज के अरिज ए ममालिक जो था बशीर, जब वो मरा तो 13 करोड़ रुपए थे उसके पास, ठीक है ना। अब क्या है कि बशीर के जो 13 करोड़ रुपए थे ये फिरोज तुगलक ने अपने पास रह लिए। क्यों? चूंकि फिरोज ने बोला ये तो मेरा स्लेव था, ठीक है, मतलब शाही खानदान का नहीं था, मेरा स्लेव था, तो उसके ज्यादातर पैसे मैं रख रहा हूं। हालांकि पूरे पैसे नहीं रखे थे, कुछ पैसे उसके बच्चों के बीच में भी बांट दिए। तब ये थोड़ा एक्सेप्शन था, क्योंकि उस समय पे ये था, ये बात क्लियर थी कि अगर बाप मरता है तो सब कुछ बेटे के पास ही जाएगा, नोबिलिटी में खासकर। हालांकि जो बशीर था वो स्लेव था फिरोज तुगलक का, तो फिरोज तुगलक ने उसके ज्यादातर पैसे अपने पास रख लिए। बट ज्यादातर केसेस में जो नोबल की प्रॉपर्टी हुआ करती थी, पैसे हुआ करते थे, वो उसके बच्चों के पास ही जाते थे। फिर आप देखोगे कि ये जो नोबिलिटी थी ना, इस नोबिलिटी ने कंस्ट्रक्शन बहुत कराया, खासकर गार्डन्स का, ऑर्चर्ड्स जहां पे फलों की, एप्पल्स की खेती होती, मार्केट्स, इस प्रकार की चीजों को बहुत बनवाया नोबल्स ने। इनफैक्ट फ्रूट्स की क्वालिटी को सुधारने में सुल्तान और नोबल्स बहुत इंटरेस्ट लिया करते थे। मेलन्स, ग्रेप्स, ये सब बहुत उगाया करते थे। फिरोज तुगलक के बारे में बोला जाता है कि इसने 1200 ऑर्चर्ड्स डेवलप किए थे दिल्ली के नेबरहुड में। तो आप कह सकते हो कि दिल्ली उस समय पे काफी हरा भरा लगता होगा, होता है ना कि जब लोग रहते हैं तो आसपास पेड़ पौधे लगाना, प्लांट्स लगाना।
अब एक आम आदमी आज की दुनिया में क्या करेगा, प्लांट ही लगाएगा, उसकी प्लांट लगाने की औकात है? सबके पास तो बड़ी बड़ी जमीन है नहीं कि वो गार्डन बना ले, तो प्लांट लगाते थे। बट उस समय के राजे महाराजे, इनको प्लांट लगाना है तो इनके पास भाई लैंड की अवेलेबिलिटी, पैसों की कमी नहीं, दसों माली अवेलेबल है, पचासों माली, तो क्या कि बड़े बड़े गार्डन बनवा दिए। उस बड़े बड़े गार्डन में आपके अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स, फ्लावर्स, इस प्रकार की चीजें उगाई जाती थी। तो औकात के हिसाब से यहाँ पे चीजें होती हैं। आज की डेट में हम जैसे लोग प्लांट लगाते हैं, और ये लोग उस समय पे पूरा का पूरा गार्डन और ऑर्चर्ड बना देते थे। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, टाउन लाइफ, स्लेव्स, आर्टिसंस एंड अदर्स। टाउन लाइफ की अगर बात की जाए ओवरऑल एट द टाइम ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो आप देखोगे कि सल्तनत के समय पे टाउन लाइफ काफी ऊपर उठी। अर्बन जो मतलब कह सकते हैं सोसाइटी थी ना, वो काफी डेवलप हुई। असल में आप कह सकते हो कि जो टर्किश रूलिंग क्लास थी ना, वो उसको अर्बन सेटिंग की ही आदत पड़ी हुई थी। ज्यादातर जो टाउन्स डेवलप हुए पहले, तो वो डेवलप हुए कि मान लो कोई मिलिट्री गैरिसन बना, मतलब फौज की कोई टुकड़ी कहीं पे जाके सेटल की गई। अब वो फौज की टुकड़ी है सल्तनत की, अब उस फौज की टुकड़ी के आसपास टाउन ग्रो करने लगेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखो कि जब भी कहीं पे ONGC का कोई प्लांट लगता है, या मान लो गेल का कोई प्लांट लगता है, या मान लो आपका IOCL का, NTPC का किसी बीहड़ जगह पे प्लांट बना, तो जब बीहड़ जगह पे ऐसे प्लांट बनते हैं ना, तो उन प्लांट के आसपास आपको बहुत सारा कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। तो किसी एक बड़े एंटरप्राइज के दम पे उसके आसपास बहुत सारे छोटे छोटे एंटरप्राइज और बस्ती बस जाती है। कुछ कुछ ऐसा यहाँ पे भी हुआ। जब भी मिलिट्री कंटिजेंट दिल्ली सल्तनत का जाके कहीं पर रुकता था, उस मिलिट्री कंटिजेंट को फूड, गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए पूरी की पूरी टाउनशिप वहां पे ग्रो कर जाती थी। और फिर बाद में उस टाउनशिप में कल्चरल सेंटर्स भी आ जाते थे। मिडवर टाउन्स की अगर बात की जाए तो मिसलेनियस पॉपुलेशन थी वहां पे। ओके, अगर आप देखो तो वहां पे नोबल्स भी रहते थे, बहुत सारे क्लर्क्स भी रहते थे ग्राउंड लेवल पे जो गवर्नमेंट ऑफिसेज में काम होते थे। ये क्लर्क्स ज्यादातर आपके लोकल हिंदूज हुआ करते थे। शॉपकीपर्स, आर्टिसंस, बगर्स, सब लोग यहां पे पाए जाते थे। ओके, हालांकि जो क्लर्क की और लोअर गवर्नमेंट ऑफिशियल की पोजीशन है वो केवल उनको दी जाएगी जो लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और जो लिखने पढ़ने का काम था वो मुस्लिम थियोलॉजियंस के हाथ में था, उलामा के हाथ में था। ओके, तो उस समय की जो हिस्ट्री भी लिखी गई, जो लोकल दिल्ली सल्तनत के रिकॉर्ड्स थे, वो इन्हीं मुस्लिम थियोलॉजियंस उलामा ने लिखे। अब जब उन्होंने हिस्ट्री लिखी तो उन्होंने अपने प्रेजुडाइसिस को उस हिस्ट्री में लिखा, अपने ओपिनियंस को उस हिस्ट्री में लिखा, और वो ओपिनियंस काफी हद तक दसियानुसी थे, काफी हद तक आप कह सकते हो कि कोर इस्लामिक थॉट को डिपिक्ट करते थे। इसीलिए तो हम ओवरऑल उन सोर्सेज को ज्यादा रिफर करते हैं जो कि उन हिस्टोरियंस के जो कि दूर से वहां पर घूमने आते, जैसे इब्न बतूता हो गया, ठीक है, इस प्रकार के लोग हो गए। तो इस प्रकार के लोग जो कि दूर दराज के इलाकों से पूरी दुनिया को देख के आए हुए होते थे, तो उनके जो हिस्टोरिकल अकाउंट होते थे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते थे। फिर बेगर्स भी यहां पे बहुत एग्जिस्ट करते थे। एक तबका टाउन्स में स्लेव्स का भी था, डोमेस्टिक सर्वेंट्स का भी था, क्योंकि उस समय पे स्लेवरी प्रेवलेंट थी। जो अमीर लोग हुआ करते थे उन अमीरों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता था कि वो भाई काफी सारे स्लेव्स रखे अपने पास, ठीक है ना, क्योंकि इन स्लेव्स के दम पे ही आप कह सकते हो कि वो अपना काम चलाएंगे, वो थोड़े ना खुद काम करेंगे, उनको तो हर चीज के लिए स्लेव चाहिए, पेट दबानी स्लेव चाहिए, कपड़े धोने स्लेव चाहिए, जूते साफ करने स्लेव चाहिए, हर चीज के लिए स्लेव अवेलेबल था। आज की डेट में तो क्या है कि आदमी, हम मतलब जो अर्बन इलाकों में रहते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा एक मेड हायर कर सकते हैं कि वो खाना बना दे घर में आके। उसमें तो प्रॉपर स्लेवरी चला करती थी। ओके, और बहुत अलाउड भी थी एक प्रकार से स्लेवरी। आप कह सकते हो कि अलग अलग स्लेव्स के अलग अलग आप कह सकते हैं पोजीशंस थी। एक तो ऐसा स्लेव हुआ करता था जो हाउस होल्ड में पैदा होता था। तो मान लो कि कोई एक हाउस होल्ड है, उस हाउस होल्ड में कोई हस्बैंड वाइफ है और वो हमेशा से उस परिवार की सेवा कर रहे हैं, तो उनका जो बच्चा पैदा होगा वो भी आगे बड़ा होकर इस परिवार की सेवा करेगा, तो वो भी स्लेव हो गया। एक ऐसा स्लेव होता था जो खरीदा जाता था। सल्तनत में ये जो मुस्लिम रूलर्स हुआ करते थे, टर्किश रूलर्स, ये खरीद के जो स्लेव्स रखने वाली प्रथा थी इनके यहाँ बहुत होती थी। और खरीदे हुए स्लेव्स आप देखोगे कि बहुत काबिल बन के आगे आएंगे। अलाउद्दीन खिलजी क्या था, वो भी तो गुलामी था। तो स्लेवरी आपकी टर्क्स में भी थी, स्लेवरी अरब्स में भी थी, ठीक है। अब ये जो हिंदू होम्स थे वहां पे भी, जो बड़े बड़े होम्स थे वहां पे भी नौकर जाकर रखे जाते थे। ओके, जो सबसे यूजुअल मेथड था स्लेवरी का वो था वॉर। वॉर के एक इलाके में अगर आपने कब्जा कर लिया तो जो भी आपके जो सैनिक पकड़े जाएंगे वो भी आपके स्लेव हो जाएंगे। जिन इलाकों पे आप कब्जा करोगे वहां पे जो लोग रहते हैं, औरतें रहती हैं, आदमी रहते हैं, बच्चे रहते हैं, वो सब स्लेव बना सकते हो आप चाहो तो। हालांकि टेक्निकली सबको स्लेव नहीं बनाया जाता था क्योंकि बहुत आबादी होती थी, तो इतने स्लेव्स की जरूरत पड़ती नहीं थी। तो उस आबादी में जो सबसे छठे हुए लोग होते थे ना, बेस्ट क्वालिटी के, उनको पकड़ा जाता था और उनको स्लेव बना दिया जाता था। और स्लेव मार्केट्स एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। एक्चुअली स्लेव को वॉर्स में
कैप्चर करना, ये जो प्रैक्टिस थी वो मेजर स्केल पे इंडिया के अंदर भी और इंडिया के बाहर भी टर्क्स प्रैक्टिस करते थे। और वेस्ट एशिया में, इंडिया में प्रॉपर स्लेव मार्केट हुआ करते थे मैन और वुमेन के, मैन और वुमेन को प्रॉपर तरीके से बेचा जाता था। और इस प्रकार के जो स्लेव मार्केट्स हैं, ऐसा नहीं है कि वो सल्तनत के समय पे थे या मुगलों के समय पे थे, ये ब्रिटिशर्स के भी समय पे भी थे। अगर आप ध्यान से मूवी देखते हो तो जो मंगल पांडे मूवी आई थी आमिर खान की, उसमें इस प्रकार की प्रथा को दिखाया भी गया है। तो इनफैक्ट एज फार एज ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल भी इस प्रकार की जो प्रैक्टिस थी वो हल्की फुल्की एग्जिस्ट करती थी, उस मतलब लेवल पे एग्जिस्ट नहीं करती थी जिस लेवल पे दिल्ली सल्तनत के समय पे थी। फिर आप देखोगे कि टर्किश, कॉकेशियन, ग्रीक और जो इंडियन स्लेव्स थे इनकी काफी वैल्यू थी, काफी महंगे में खरीदे बेचे जाते थे। बहुत सारे स्लेव्स आपके अफ्रीका से भी इंपोर्ट किए जाते थे जो कि एबेनिसियन ओरिजिन के हुआ करते थे। ठीक है भाई, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इसके फ्रॉम एबेसीनिया। अब आप बोलोगे सर ये एबेसीनिया क्या है, तो देखिए आज की डेट में जो इथोपिया और एरिट्रिया के आसपास का इलाका है इसको एबेसीनिया कहा जाता है। आपको पता है ईस्ट अफ्रीका में आता है, तो इस पर्टिकुलर इथोपिया और एरिट्रिया के आसपास के जो आप कह सकते हो इलाके थे, वहां से जो स्लेव्स लाए जाते थे उनको एबेसीनियन कहा जाता था। ओके, इन स्लेव्स को डोमेस्टिक सर्विसेज के लिए इस्तेमाल किया जाता था, इनके अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड स्किल्ड स्किल्स भी हुआ करते थे। स्किल्ड स्किल्स, कॉमली बॉयज, हैंडसम गर्ल्स, इन सब के बहुत हाई दाम मिला करते थे और इनको अलग अलग प्रकार की जो सर्विसेज थी नोबल्स और जो सुल्तान थे वो अपने मन मर्जी के हिसाब से इनको इस्तेमाल करते थे। इन स्लेव्स के लिए सबसे अच्छी बात ये थी कि उनको थोड़ा सही तरीके से ट्रीट कर लिया जाए बस। लेकिन सबसे खास बात ये थी कि जो स्किल्ड स्लेव्स थे, टर्किश एम्पायर में एक खास बात रही है कि जो स्लेव है उसके पास ये औकात है कि वो मिलिट्री जनरल भी बन सकता है अगर उसके अंदर काबिलियत है, अगर वो इतना ब्रेव है तो बहुत सारे स्किल्ड स्लेव्स बहुत हाई ऑफिस में ही पहुंचे हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कुतुबुद्दीन ऐबक के जो स्लेव्स थे वो बहुत हाई ऑफिस पे भी ऊपर गए। फिरोज तुगलक भी स्लेव्स को काफी मानता था, स्लेव्स को हायर करता था, उसको स्लेव्स पे काफी भरोसा था, मैंने पहले बता रखा है। बहुत सारे ऐसे दिल्ली सल्तनत को सुल्तान रहे जिनको स्लेव्स पे ज्यादा भरोसा है, क्योंकि नोबल ओबल पे वो डाउट करते थे। नोबल्स क्या करेंगे कि षड्यंत्र करके सुल्तान को मार देंगे, क्योंकि इन सुल्तानों के वहां पे पॉलिटिक्स तगड़ी चलती थी। ओके, तो ये स्लेव्स को हायर करते थे, इनको स्लेव्स पे ज्यादा भरोसा होता था, क्योंकि स्लेव को बिल्कुल गरीबी से उठा के अगर अच्छे से ट्रीट करोगे तो एक गरीब इंसान, मिर्जापुर में डायलॉग है ना त्रिपाठी जी का कि अगर किसी गरीब इंसान को उठा के आप उसकी इज्जत दे दो तो उसके मन में आपके लिए रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा हो जाती है। तो कुछ इस प्रकार का कंसेप्ट था यहाँ पे। जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे स्लेव्स इसलिए भी हायर करते थे, बहुत सारे लोग अपनी जो गार्डिंग थी, जो अपनी आप कह सकते हो सिक्योरिटी थी, वो भी इन स्लेव से करवाते थे। बहुत सारे जो स्किल्ड स्लेव्स थे उनको हैंडीक्राफ्ट में भी डिप्लॉय किया गया, बहुत सारे सुल्तान के पर्सनल वाइड रिगार्ड्स बने, बहुत सारे स्लेव्स इनकी पर्सनल सर्विस में आए, खाना पीना खिलाना। तो कोई ऐसा पर्टिकुलर पर्सन जो कि नोबल के टच में हो सकता है, खाना मिला दे सुल्तान के, खाने में कुछ उल्टा सीधा मिला के जहर खिला दे, मर जाए सुल्तान। तो इस प्रकार की चीज़ों को टेस्ट करने के लिए स्लेव रखा जाता था, तो पहले स्लेव फ्रूट लाता था, पहले खुद खाता था, फिर सुल्तान को खाने के लिए देता था। ओके, कभी कभी इन स्लेव्स को हार्शली भी ट्रीट किया जाता था, बट फिर भी कह सकते हो कि एक डोमेस्टिक सर्वेंट से आप कह सकते हो स्लेव की हालत बेहतर था, क्योंकि सर्वेंट तो काम ही करेगा, स्लेव के पास फिर भी एक काबिलियत है कि वो थोड़ा पोस्ट में ऊपर उठ सकता था। ओके, सबसे खास बात ये कि डोमेस्टिक सर्वेंट एक फ्री पर सर्वेंट था, स्लेव बिल्कुल गुलाम था। एक बात और समझिए, स्लेव गुलाम था तो स्लेव मास्टर पर डिपेंडेंट था, तो मास्टर की जिम्मेदारी बनती थी कि वो स्लेव का ध्यान रखे, उसको खाना दे, चाहे कैसी भी कंडीशन हो। डोमेस्टिक सर्वेंट एक फ्री पर्सन था, वो अपनी तनख्वाह लेगा, काम करेगा, निकल जाएगा। तो कल की डेट में अगर उसको नौकरी में निकाल दिया जाता है तो वो भूखा मर जाएगा, उसके एम्प्लॉयर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। समझ गए, आज की डेट में मान लो आपके अंदर कोई ड्राइवर काम करता है, कल की डेट में आपने उस ड्राइवर को नौकरी से निकाल दिया, तो परसों वो आके ड्राइवर आपसे बोलता है साहब मुझे इस काम की जरूरत है, तो बहुत सारे लोग मना कर देंगे, बोलेंगे हमारे पास भाई पैसे नहीं है, हम कैसे तुमको पैसे दे दें, चाहे कितनी भी इमरजेंसी हो। तो उस समय पर भी जो एक फ्री पर्सन था ही वॉज ऑन हिज ओन, लेकिन जो स्लेव था उसका हमेशा मास्टर ध्यान रखता था, क्योंकि मास्टर की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी इन स्लेव्स की। ठीक है भाई, ये सब चीजें यहां पे बताई जा रही हैं। स्लेव्स को शादी वगैरह करने की भी परमिशन थी, कुछ हद तक उनको पर्सनल प्रॉपर्टी भी दी जाती थी, हालांकि स्लेवरी को उतना अच्छा नहीं समझा जाता था, इट वॉज बेसिकली डिग्रेडिंग, आपको नौकर की तरह ही ट्रीट किया जाता था। ये अलग बात है कि आप कोई बड़ा काम कर दो तो ओवरऑल आपका प्रमोशन भी कर देगा सुल्तान, अगर सुल्तान आपकी सर्विस से खुश है तो। अगर किसी स्लेव को आपने आजाद कर दिया है, ठीक है ना,
उसको उसकी स्लेवरी से मुक्त कर दिया, तो हिंदूज में और मुस्लिम्स में काफी अच्छा माना जाता था कि देखो उसके पास स्लेव था, उसने तो रुपया खरीदा, उसको छोड़ दिया। तो इस प्रकार की भी चीजें थी। फिर फूड ग्रेन्स की बात करते हैं। अगर फूड ग्रेन्स की बात की जाए दिल्ली सल्तनत के अंदर, तो फूड ग्रेन्स वर चीप फॉर द टाउन्स फोल्क ड्यूरिंग द सुल्तानेट पीरियड। वी हैव मेंशन्ड द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स अंडर अलाउद्दीन खिलजी इन हिज रेन। मान मतलब एक वेइंग यूनिट थी, अबाउट 15 केजी ऑफ वीट वॉज सोल्ड फॉर 7.5 जीतल्स, बारले फॉर 4 जीतल्स एंड राइस फॉर 5 जीतल्स। तो एक मान गेहूं मिलता था 7.5 जीतल का, एक मान बारले मिलता था 4 जीतल का, एक मान राइस मिलता था आपका 5 जीतल का, एक सिल्वर टंका 48 जीतल के बराबर था। जीतल बेसिकली आप कह सकते हो करेंसी थी उस समय की, ठीक है, टंका भी करेंसी थी, जीतल भी थी। ऐसा होता है ना कि रुपया और पैसा, तो भाई एक रुपये में 100 पैसा, उसी प्रकार से उस समय पे एक सिल्वर टंका में 48 जीतल, जैसे कि डॉलर और सेंट्स होते हैं उस प्रकार से चीजें यहाँ पर। ओके, तो बड़ा यूनिट थी सिल्वर टंका और उसकी सब यूनिट थी जीतल, ठीक है। फिर अलाउद्दीन खिलजी के समय पे जो चीजों के दाम थे वो फिर भी कंट्रोल में रहे। तुगलक के समय पे, मोहम्मद तुगलक के समय पे जो दाम थे वो बहुत ज्यादा बढ़ गए, लेकिन बाद में जब फिरोज तुगलक आया, फिरोज तुगलक के समय पे जो खाने पीने के दाम थे वो फिर से उसी लेवल पे आ गए जो अलाउद्दीन खिलजी के समय पे थे। फिर फिरोज तुगलक के समय पे आप कह सकते हो कि कल्टीवेशन को एक बहुत बड़े इलाके में फैलाया गया, क्योंकि फिरोज तुगलक इस बात को, देखिए मोहम्मद तुगलक के समय पे जो किसान थे ना, इन्होंने बवाल कर दिया था और मोहम्मद तुगलक की हैंडलिंग ठीक नहीं थी। फिरोज तुगलक आया, उसने पहले तो लोन माफ किए सारे, पहले बता रखा है, और फिर बाद में उसने जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन था उसको बड़े इलाके में फैलाया, उससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ा, और जब एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ेगा तो खाना ज्यादा आ जाएगा मार्केट में, तो ऑटोमेटिकली डिमांड और सप्लाई के जो नियम है उससे खाना सस्ता हो जाएगा, और खाना सस्ता होना बहुत जरूरी है, ये दिल्ली सुल्तान जानता था, क्योंकि अगर जनता का पेट भूखा होगा तो फिर वो बगावत करेगी, और बगावत करेगी तो कोई भी सुल्तान अपनी कुर्सी पर नहीं बैठ सकता, तो जनता का पेट भरना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो फिरोज तुगलक ने पहले तो एग्रीकल्चर का इलाका बढ़ाया कि भाई ज्यादा धान पैदा करो, लोगों के पास खाना पहुंचना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर आगे बात करते हैं कि टाउन्स में रहने की कॉस्ट को प्रॉपर तरीके से, एग्जैक्ट तरीके से यहां पे कंप्यूट नहीं किया जा सकता। एक मॉडर्न हिस्टोरियन का ये मानना था कि फिरोज तुगलक के राज में एक फैमिली जिसमें एक मैन है, एक वाइफ है, एक सर्वेंट है और उसके एक या दो बच्चे हैं, ये सब लोग एक महीने में 5 टंके पे सर्वाइव कर सकते थे। दे कैन सर्वाइव ऑन 5 टंकास इन अ मंथ, मतलब ज्यादा महंगा नहीं था यहाँ पे रहना खाना पीना। ओके, और 5 टंका तो कमाए जा सकते थे। इनफैक्ट एक लोअर गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए और सेल्डर के लिए रहना काफी आसान था, बट प्रॉब्लम ये थी कि इस समय पे, मतलब दिल्ली सल्तनत के समय पे, कभी कभी आर्टिसंस और वर्कर्स को उतनी अच्छी तरीके से चीजें नहीं मिलती थी। जैसे अलाउद्दीन खिलजी के राज में क्या हुआ कि एक आर्टिसन जो आर्ट वगैरह का काम करता है उसको एक दिन में 2-3 जीतल मिलते थे। तो एक दिन में 2-3 जीतल मिलते हैं तो पूरे महीने में 60-90 जीतल कमा लेगा वो। 60-90 जीतल को अगर आप चलो 48 जीतल के हिसाब से टंके में कन्वर्ट करते हो तो 2 टंका से भी कम हुआ, और एक फैमिली को गुजारा करने के लिए महीने में 5 टंका चाहिए अगर हम फिरोज तुगलक के समय की महंगाई को देखें। अब आप बिल्कुल रूलर वाइज सेग्रीगेट मत करिएगा, मैं ओवरऑल जनरलाइज दिल्ली सल्तनत के ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। तो जो आर्टिस्ट वगैरह का काम करते थे, आर्ट वगैरह का काम करते थे, उनका रहना खाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, वो 1.5-2 टंका एक महीने में कमाते थे। जो हाउस होल्ड में सर्वेंट काम करते थे उनको और कम पैसा मिलता था। अकबर के अंदर जो एक अनस्किल्ड लेबर हुआ करता था उसको 2.5-3 रुपए मिलते थे एक महीने के, इससे भी कभी कभी कम मिलते थे। तो आप कह सकते हो कि शहरों में रहने वाले जो वर्कर होते थे, जो दिहाड़ी मजदूर होते थे और जो आर्टिसन होते थे, उनकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन जो गवर्नमेंट वगैरह में काम करते थे उनके मजे थे। जो सोल्जर था आपकी दिल्ली सल्तनत की आर्मी में, उसके मजे थे। भाई अब गवर्नमेंट मशीनरी में काम करने वाले को तो इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी ना, और सोशल इंपॉर्टेंस भी थी उसके साथ। आज की डेट में भी जब सरकारी नौकरी लग जा रहे, भाई सरकारी नौकरी लग गई, उस प्रकार को उस समय पे भी कुछ था कि हाँ भाई ये तो दिल्ली सल्तनत की आर्मी में है, हाँ भाई तो दिल्ली सल्तनत के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करता है, तो इस चीज की वैल्यू थी। तो ये जो मिडिवल सोसाइटी थी इसमें बहुत सी इनइक्वालिटीज थी, और ये इनइक्वालिटीज धर्म के नाम पे, कास्ट के नाम पे, इकोनॉमी के नाम पे हर जगह पे एग्जिस्ट करती थी। मुस्लिम सोसाइटी में भी थी इनइक्वालिटी, हिंदू सोसाइटी में भी इनइक्वालिटी थी। अब क्या था कि जो शहर थे, शहरों में मुस्लिम्स का राज था, बहुत सारे मुस्लिम शहरों में रहा करते थे, ज्यादातर जो रूरल इलाके थे, जो प्रिडोमिनेटली सबर्बन इलाके थे, रूरल इलाके थे, वहां पे ज्यादातर हिंदूज ही रहा करते थे। तो आप कह सकते हो इनइक्वालिटीज हिंदू सोसाइटी में ज्यादातर रूरल इलाकों में थी। जो हायर क्लास मुस्लिम और
हिंदू सोसाइटीज थी उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि जो मुस्लिम्स के अंदर भी जो अफगानी है, तुरानी है, टर्क हैं, आपके इंडियन मुस्लिम्स हैं जो हाई कास्ट में है, ये कभी आपस में भी शादी नहीं करते थे। तो एक अफगानी नोबल की फैमिली की लड़की एक टर्किश नोबल के लड़के के साथ शादी कर ले, ये भी पॉसिबल नहीं था, जबकि दोनों ही मुस्लिम्स हैं। बट एथनिक डिवीजन है, एक टर्किश है, एक अफगानी है, एक इंडियन मुस्लिम है। तो इस प्रकार के सेग्रीगेशन भी बहुत थे। इस सेग्रीगेशन को हम लोग अगले टॉपिक कास्ट, सोशल मैनर्स और कस्टम्स में बहुत ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि एक चीज बहुत समय प्रॉपर कही जा सकती दिल्ली सल्तनत के समय भी कि देखिए अमीर लोग कम ही थे, ज्यादातर जो लोग थे वो गांव के साइड में रहते थे, कंट्री साइड में रहते थे, बहुत सिंपल लाइफ जीते थे, बहुत प्रकार की मुश्किलें उनको झेलनी पड़ती थी, लेकिन वो उसके अंदर भी अपनी खुशियां ढूंढते थे। तो बहुत सारे फेस्टिवल्स, बहुत सारे फेयर्स, बहुत सारे आप कह सकते हो नाटक नौटंकियां, इस प्रकार की चीजें हुआ करती थी ताकि उनके लाइफ में भी थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट आ सके। तो यहाँ पे हम लोगों ने टाउन लाइफ, स्लेव्स, आर्टिसंस, इन सब के बारे में जाना, और इससे पहले मैंने आपको बताया था सुल्तान एंड द नौबस के बारे में। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कास्ट, सोशल मैनर्स और कस्टम्स के बारे में, नेचर ऑफ द स्टेट के बारे में हम लोग बात करेंगे, और सल्तनत के अंदर कितनी रिलीजियस फ्रीडम मिलती थी इसके बारे में बात करेंगे। कोशिश करूंगा कि अगली एक ही वीडियो में मैं आपके लिए चीजें खत्म कर दूं, नहीं तो दो वीडियोस में तो ये चैप्टर आपका खत्म हो ही जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा, हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें, आपके ज्वाइन बटन दबाने से खासा मदद मिलती है। इंस्टाग्राम पे चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, हर चीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर।